हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और करीब 12 बज रहा है तो मॉर्निंग में सुबह सुबह तो चाय चाहिए होती है, तो आजकल वैसे भी 10 साढ़े 10 पे बनती है मेरे घर चाय। बच्चे लेट उठते हैं तो इस टाइम पे मैं जूस बना रही हूँ अभी। और जब लेट से उठते हैं तो खाना भी लेट से ही खाते हैं, उनको भूख लगती है। सुबह तो उन्हें चाय बिस्किट खाने की आदत है, वो खा लेती हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाता है। और आजकल मैं नाश्ता कर दे देती हूँ तो खाने में फिर बोलती है नहीं भूख लगी है। तो आज सबसे ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो आज मैंने पूरे घर में पोछा नहीं लगाया है। काफ़ी सर्दी थी, बहुत गलन वाली, तो मैंने सिर्फ यही वाला फ्लोर जो है बहुत गंदा होता है और ऊपर नीचे तो कम ही होता है, पर ऐसे तो डेली लग जाता है। लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं होता, कहीं आना जाना हुआ या कुछ ऐसा ज़रूरी काम हुआ, या अभी सर्दी भी है, तो बीच वाले में ही एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे, जब जब से ये गलन वाली 3-4 दिन से सर्दी ज़्यादा हो गई है, तब से बीच वाला तो दिन में 2-3 बार भी साफ करो ना, तब भी कहीं ना कहीं दाग पड़ ही जाता है। तो बस बीच वाले में पोछा लगा के मैं आ चुकी हूँ और जा रही हूँ। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है और सीधा जा रही हूँ, लेट काफ़ी हो चुका है। तो अगर मैं नाश्ता कराऊंगी तो फिर ये खाना भी 5 बजे तक नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने सोचा नाश्ता नहीं बनाती हूँ आज, जल्दी जल्दी से तहरी छौंक लेती हूँ। तो मैंने तहरी बना ली है और अब जा रहे हैं। जो बर्तन मैंने बहुत सारे ढेर सारे धुल के रखे थे उन सबको लगा देंगे और फिर इसके बाद खाना दे दूँगी जाके सबको। जब तक पक रही थी तब तक मैंने ये काम कर लिया और खाना खा के आ चुके हैं, जा रहे हैं अब। शाम को सब्जी लेके आई हुई थी, वैसे तो सब्जी पास में ही मिल जाती है, मुझे जाना नहीं पड़ता है, पर इस टाइम पे आदमी लोग जाते हैं ना तो मार्केट में क्या क्या आ रहा है वो सब नहीं देखते हैं, तो बस आलू मटर प्याज धनिया यही सब ले आते हैं। तो मैं गई थी, मुझे मूली गाजर का अचार भी बनाना था और जूस बनाने के लिए चुकंदर और आंवला गाजर और संतरा ये सब भी ले आई थी, क्योंकि ये जूस के लिए चाहिए। और मुझे आंवले का भी थोड़ा सा अचार नहीं, लेकिन हाँ वो जो आम का मुरब्बा जैसा बनता ना वैसा बनाना था, तो उसके लिए आंवला भी मैं ढेर सारा लाई हुई थी। गोभी का भी अचार में डालना था तो वो भी बनना है। ऐसे ही करके बहुत ढेर सारी सब्जी लेके आई थी, बथुआ लेके आई थी, बीन्स, और मंचूरियन भी बनाना है तो उसके लिए बंद गोभी वगैरह सब कुछ साथ में लेके आ गई थी। पूरा भर के झोला हो गया था। ऐसे तो जाते हैं तो बस मतलब भर की जो जो समझ में आती है, और जब औरतें जाती हैं तो जो जो समझ में आता है वो ढेर सारी सामान ले लेती हैं, तो ले लिया था। तो बीच में बस थोड़ा ही मुझे लेना पड़ा था, 1 हफ्ते करीब चल गई है, अभी भी थोड़ी पड़ी हुई है। और पता नहीं मैं आम का अचार नहीं रख पाई थी, तो वैसे ये गाजर मूली और गोभी का सब रखना है, इसलिए मैं 2 गोभी लेके आई थी। तो एक का तो मैंने पहले पराठा ही शाम को बना दिया था और एक ये है काफ़ी बड़ी है तो इसका अचार बनाऊंगी। तो इसका अचार धूप नहीं निकल रही इसलिए बन भी नहीं पाया, काफ़ी दिन 3-4 दिन के बाद मैंने इसे कट करके फिर बनाया है। तो अब आ चुके हैं, मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, चार तो आ चुके हैं, मैंने 2 और मंगाए थे वो नहीं आए। मैंने सोचा इनको कर लेती हूँ, वरना 7 डेज पहले ही इनकी अगर बाद में डिलीवरी ख़त्म हो जाएगी ना तो रिटर्न नहीं होगा, जो समझ में आएगा उसको ले लूँगी। तो ये आईलाइनर मुझे 3 मिले हुए हैं और ये मैंने हुडी मंगाई है अपने लिए, तो इसे भी ट्राई करके देखते हैं कैसी है ये। तो हुडी भी सही लगी और मुझे आईलाइनर भी 3 मिले हुए हैं, तो एक एक किसी को दे दूँगी क्योंकि मैं 3 तो यूज करूँगी नहीं, इसके पहले भी मैंने था तो बेकार ही हो जाते, ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो किसी न किसी को दे दूँगी। और हुडी अच्छी लगी, आईलाइनर अच्छा लगा। और ये मैंने एक टॉप मंगाया हुआ था, इस टॉप के रिव्यू में मैंने देखा हुआ था कि बहुत सारी फीमेल्स या लड़कियों ने इसे ब्लाउज जैसा बना के यूज़ किया था, तो मैंने इसीलिए मंगवा लिया था। ये मुझे 150 का मिला था, तो मैंने सोचा था कि इतने कम रुपीज़ में वैसे भी ब्लाउज़ नहीं बनता, लेकिन उसके नेक थोड़ा लूज था तो मुझे फिट नहीं हो रहा था। और ये मैंने मंगाया हुआ है बेल्ट, पर ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वापस कर दी। और उस दिन फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया और ये दूसरे दिन का वीडियो है। जो हुडी मैंने रिव्यू किया था मेरे दूसरे चैनल पे, उसके वीडियो आते हैं जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने फिर इसको पहन लिया, अच्छी लगी काफ़ी मुझे, तो पहन ही रही है। और आज जा रही हूँ मंचूरियन बनाने, तो इसके लिए मैंने सारी सब्जी नहाने के पहले पहले कट कर ली है। अब ये सारी कट चुकी है तो जा रही हूँ, सबसे बड़ा काम यही होता है, ये करके रख जाऊँगी,
फिर नहा के आ गई और मैंने मंचूरियन बना लिया। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो बस आज दोपहर के खाने में मंचूरियन और इसी के साथ में रोटी सारे लोग खाएंगे, तो अच्छा लगता है सबको। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।